हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जय प्रकाश गुप्ता, जेपी सर। स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इट इज रिलेटेड विथ स्टैंडर्ड फिफ्थ, सब्जेक्ट इज मैथ्स। आई एम एक्सप्लेनिंग योर मैथ्स मैजिक वर्कबुक स्टैंडर्ड फिफ्थ, चैप्टर नंबर 6, बी माय मल्टीपल आई विल बी अ फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर आई कंप्लीटेड page number up to, I had explained about factorize the following numbers into prime numbers using the method of multiplication. In this video, I am going to explain you factorize the following number into prime numbers using division. Okay student, question number 5, you can see here. Question number 5, factorize the following numbers into prime numbers using division. Okay student, let us see. Example is given one has been done for you. 30 का हमें अब क्या करना है student, prime number factorize करना है into prime number में। मतलब यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू आएगी इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे एंड इट शुड बी इन प्राइम नंबर में होना चाहिए। ओके, तो हमें डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब इसको टुकड़े टुकड़े में डिवाइड करना है। 27 राइट हियर, मेक टू लाइंस राइट हियर 27, देन 27 इट डजंट कम इन टू सेकेंड टेबल में नहीं आता, देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड टेबल से स्टार्ट करूंगा। सो 3 3 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ओके स्टूडेंट, सेकेंड सम 40, अगेन I am repeating just like previous question, previous sum, right here 40, and 40 it is come in the second table. So I am starting with 2, make this line 2 2 2 2 4 and remain 0 here, 2 10 20, अगेन 2 5 10, एंड 5 तो ओनली आता है 5 के टेबल में, सो वी राइट हियर 5 5 1 5। स्टूडेंट, वेन यू सी 1 1, देन यू हैव टू स्टॉप एंड राइट डाउन दिस। इस नंबर को यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म, इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट, चढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में यू हैव टू राइट डाउन। ओके, नाउ थर्ड 45। ओके स्टूडेंट, राइट हियर 45, मेक दिस टू लाइन 3 1 3, 1 रिमेन, 4 माइनस 3, 1 रिमेन, 15, सो 3 5 15। ओके, यू कैन डिवाइड 3 5 15, बोथ वैल्यू 0। ओके स्टूडेंट, नाउ अगेन 3 विल कम, 3 5 15, व्हाई, बिकॉज 15 वो आता है 5 की टेबल में, तो 3 5 15, 5 किस में आता है, 1 में, 5 1 5। ओके, राइट दिस ऑल नंबर्स एंड स्टूडेंट यू कैन सी क्लियरली, हैव यू नोटिस दैट स्टूडेंट वन पॉइंट हैव यू नोटिस दैट वन पॉइंट क्या आपने पॉइंट नोटिस किया कि जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, आई एम सर्कलिंग इट, मैं सर्कल कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, दिस ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर। सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं। ओके, पर हमें प्राइम नंबर में ही तो लिखना है, 45 को डिवीजन मेथड से प्राइम नंबर में प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना है, मल्टीप्लिकेशन में, पर इन सारे नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन कर दो, देन दिस विल बी अवर आंसर। नाउ 44
राइट हियर राइट हियर 54 हियर राइट डाउन 54 स्टार्ट फ्रॉम 3 ओके स्टूडेंट इफ यू आर कंफ्यूजिंग हाउ टू टेक 3 और 2 देन यू कैन स्टार्ट हियर डिवाइड 54 विथ 2 2 2s are 4, 2 7s are 27. Sorry student, this is divided with 2. But here I have taken 3. Okay student, you can start 54 with 2. I am writing here 54, 2. 2 se karoge 27 aayega. Then 3 karoge, 3 9s are 27. Then 3 karoge, 3 3s are 9. Then 3 karoge, 1. स्टूडेंट ये आपको नहीं लिखना है बिकॉज 54 इट इज डिवाइडेड बाय 54 से 2 से डिवाइड हो सकता है 54 ओके देन यू हैव टू राइट दिस वैल्यू 54 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 3 दिस विल बी योर आंसर ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट ये आप मत लिखना ओके बाय मिस्टेक इट वॉज डन बाय मी ओके स्टूडेंट ओके Let us see another sum. Five number. 60. Okay, student. Write down here 60. Make a line. 6, it comes in second table. So start with 2. 2, 3 is 3. 0 remain as it is. Then 2, 15 to the 30, so 15 to the 30, so 15 come, 15 kis table mein aata hai, in third table, so 3, 5 is 15, okay student, then 5 comes only in fifth table, so 5, 1 is 5, okay student, when you see 1 in the last, then you stop there and, you do stop there and don't write again. Don't go forward. आपको उसके आगे नहीं जाना है राइट दिस नंबर इन सॉरी स्टूडेंट आई हैव नॉट रिटन हियर आई एम राइटिंग हियर 60 इक्वल टू दिस नंबर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ओके स्टूडेंट ओके And student, I will provide this PDF in your WhatsApp group, okay? So you can write easily and you can understand very easily. Okay, student, don't worry about that. 64. Write down here 64, make a line. Make a line first, then write here 64. Okay, student, understood? Okay. 64 comes in two table. If you don't know how to know 64 come in which table, so write here 64 divided with 2. 2, 3 is a 6. Then 4 come. 2, 2 is a 0. When 0, 0 come, then you can write 2 here. Aapko 2 yahan pe likhna hai. Okay, student? 2, 30 is a 64. 2, 8 is a 16. 2, 4 is a 8. 2, 2 is a 4. 2, 1 is a 2. When you see one here, then you have to stop and write these all numbers in ascending order. As I have written here. Okay, student, got it point? Okay. All the remaining sums are similar to each other. Now, let us go another sum. Now, student. Question number 6 is state the common factors of following numbers. Common factor means student factor मतलब जो number हमें 88 और 16 दिया गया ये कौन कौन से table में आते हैं किस किस table के table में आते हैं पहाड़े में तो you can see here 8 जो है first की table में आता है second की table में आता है then fourth then 8 की table में आता है तो 8 जो है इन सारे टेबल में आता है तो इन सारे नंबर को लिखिए देन 16 16 1 के टेबल से लेकर
टू फोर एट सिक्सटीन की टेबल तक आता है, देन ऑल द वैल्यूज आर रिटन हियर इन विच सिक्सटीन कमिंग, सिक्सटीन इज कमिंग. सो कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मीन्स अ नंबर विच इज कमिंग इन बोथ द नंबर्स, ओके, दैट नंबर विच इज कमिंग इन दिस टू नंबर्स, दैट नंबर्स आर नोन एज अ कॉमन फैक्टर्स, ओके. फैक्टर विच इज कमिंग इन दिस बोथ नंबर, दैट नंबर्स आर नोन एज अ कॉमन फैक्टर, लाइक वन एट में भी है, सिक्सटीन में भी है, टू एट में भी है, सिक्सटीन में भी है, फोर एट में भी है, सिक्सटीन में भी है, एट एट में भी है और सिक्सटीन में भी, मीन्स ये सारे नंबर एट के टेबल में आते हैं और ये सारे ये सारे नंबर में एट आता है, इन सारे नंबर में सिक्सटीन आता है. तो ये चार जो नंबर है ये फैक्टर्स हो गए, इन चार, ये चार जो फैक्टर हैं एट और सिक्सटीन, इन दोनों, ये दोनों नंबर इन चार नंबर्स में आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ओके अंडरस्टूड, ओके. तो लेट अस ट्राई फर्स्ट सम, फर्स्ट सम इट इज वेरी इजी. सेवन एंड फोर्टीन, स्टूडेंट वी नो दैट वन सेवन जा वन, सेवन वन जा सेवन, सेवन इज कमिंग इन ओनली टू नंबर वन एंड सेवन. फोर्टीन, फोर्टीन इट इज इवन नंबर, वन फोर्टीन जा फोर्टीन, टू सेवन जा फोर्टीन, सेवन टू जा फोर्टीन एंड फोर्टी वन जा फोर्टीन. स्टूडेंट क्लियर, फाइंड आउट व्हाट आर द फैक्टर्स आर कॉमन इन दिस बोथ नंबर. वन इज कमिंग बोथ, सेवन इज कमिंग इन बोथ द नंबर, दैट मीन्स टू नंबर्स आर कॉमन फैक्टर ऑफ दिस बोथ नंबर. सो द कॉमन फैक्टर इज वन एंड सेवन. ओके स्टूडेंट्स, ओके. नाउ लेट अस सी अनदर सम, सिक्सटीन. वन के टेबल में भी आ रहा है, टू एट जा सिक्सटीन, फोर फोर जा सिक्सटीन, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन, ओके. फोर्टी एट, वन फोर्टी एट जा फोर्टी एट, टू ट्वेंटी फोर जा फोर्टी एट, थ्री सिक्सटीन जा फोर्टी एट, फोर नाइन फोर, फोर ट्वेल्व जा फोर्टी एट, सिक्स एट जा फोर्टी एट, एट सिक्स जा फोर्टी एट, ट्वेल्व थ्री जा फोर्टी एट, सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट, ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट, सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट, फोर्टी एट वन जा फोर्टी एट. स्टूडेंट आपने देखा मैंने क्या कहा, मैंने टेबल्स काउंट किए, मीन्स इन सारे नंबर्स के टेबल में 48 आता है, मतलब ये सारे नंबर्स 48 के फैक्टर्स हैं. जस्ट लाइक देखिए ये भी सारे नंबर 16 के फैक्टर्स हैं, 16 जो है इन सारे नंबर में आ रहा है, 48 इन सारे नंबर्स में आता है. नाउ चेक आउट व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स, यू कैन सी क्लियरली हियर, जो दोनों में हो, दोनों में हो, वन टू फोर एट सिक्सटीन, मेक हियर कोमा. ओके स्टूडेंट्स, now let us see another sum. This all sums are similar to each other. Okay student, let us see another sum. Now students, here question number 7, write the first 5 multiples of the following number. Student, in last lecture, in my, if you may have watched my previous lecture, then you can get idea. I told in my last lecture, in my previous lecture, multiple means it is a one kind of table. Multiple का मतलब होता है table. And in question, it is saying first 5 multiple, मतलब उस नंबर के टेबल्स की जो फर्स्ट टेबल तक, फर्स्ट फाइव तक जो टेबल आ रहे हैं नंबर, वो आपको लिखना है. ओके स्टूडेंट, ओके लेट अस स्टार्ट. नंबर इज गिवन थ्री हियर स्टूडेंट, तो थ्री की टेबल में फाइव टाइम्स तक जो भी नंबर आ रहे हैं वो हमको लिखना है. पहले आप मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन. देन स्टूडेंट राइट दिस ऑल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, एक इन अ लाइन, एक लाइन में लिखिए
फर्स्ट फाइव मल्टीपल क्या होंगे थ्री के, थ्री सिक्स, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन। दिस फाइव नंबर्स आर फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ थ्री। अंडरस्टूड? ओके। नाउ स्टूडेंट, वी हैव जस्ट सीन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल्स, फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम्स। ओके, फर्स्ट सम इज फोर। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट सम इज नंबर फोर। एंड एज आई टोल्ड यू, मल्टीपल मीन्स इट इज अ वन काउंटर, इट इज रिलेटेड विथ टेबल्स। फर्स्ट फाइव मल्टीपल मीन्स आपको उस नंबर के फर्स्ट फाइव तक टेबल तक काउंट करना है। फर्स्ट थ्री थ्री मल्टीपल मीन्स उस नंबर के टेबल के थ्री नंबर तक आपको काउंट करना है। ओके, अंडरस्टूड? ओके। फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर फोर जा सिक्सटीन। अंडरस्टूड स्टूडेंट? वन वन टू थ्री फोर, फिफ्थ इज रिमेन, बाकी है। फोर फाइव जा ट्वेंटी। नाउ स्टूडेंट क्लियरली यू कैन सी हियर, नाउ राइट दिस फाइव नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यू कैन सी हियर, हियर आई हैव रिटेन दिस फाइव नंबर्स एंड दिस फाइव नंबर्स आर फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ फोर नंबर। ओके, जस्ट लाइक दैट ऑल द वैल्यूज आर सेम, ऑल द सम्स आर सिमिलर टू इच अदर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम गिविंग यू, आई एम गिविंग यू एंड आई बिलीव यू कैन डू बाय योर सेल्फ। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम इज, स्टेट द फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। स्टूडेंट एज आई टोल्ड यू, फैक्टर मीन्स नंबर, उस गिवन नंबर इट इज कमिंग इन द फैक्टर। कॉमन फैक्टर मीन्स जो दोनों के टेबल में आते हों, जो नंबर दिया गया है वो दोनों के नंबर में आते हैं, दोनों फैक्टर में आते हैं। जस्ट लाइक दैट कॉमन मल्टीपल मीन्स वो वैसे नंबर जो फर्स्ट मतलब पहले, थ्री मतलब तीनों, तीन नंबर वो दोनों के नंबर में आते हैं। कॉमन मतलब दोनों में होना, मल्टीपल मतलब टेबल, जो दोनों के टेबल में आते हों, कॉमन मतलब एक जैसे नंबर। ठीक है, तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल दिए थ्री का टेबल, थ्री एंड फोर। तो स्टूडेंट हमें, वी डोंट नो विच थ्री नंबर्स कम्स इन बोथ द नंबर, हमें पता नहीं कौन से नंबर है। ठीक है, तो हमें लिख देना है, थ्री का टेबल लिख दीजिए और फोर का टेबल लिख दीजिए, देन चेक, देन चेक आउट विच थ्री नंबर्स आर कॉमन इन बोथ द नंबर्स। कौन से तीन नंबर दोनों में हैं? ट्वेल्व, 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 ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर, थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स। तो ये तीन नंबर क्या हो गए स्टूडेंट? कॉमन। आगे और भी हैं स्टूडेंट, क्योंकि मल्टीपल इट इज इन्फाइनाइट, उसका कोई लिमिट नहीं है, एंड नहीं है। यू कैन सी हियर नंबर इज अप टू डैश डॉट 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 मीन्स इन्फाइनाइट, डॉट 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 मीन्स इन्फाइनाइट, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बट इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग अबाउट फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल, सो वी हैव टू फाइंड ओनली ओनली थ्री कॉमन मल्टीपल। सो इन द टेक्स्ट, इन द वर्क बुक इट इज रिटन हियर थ्री नंबर्स। नाउ लेट अस सी फर्स्ट सम, टू एंड सिक्स। ओके स्टूडेंट, टू एंड सिक्स, राइट हियर टू टेबल अप टू ट्वेंटी, अप टू टेन। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा फोर्टीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा एटीन, टू टेन जा ट्वेंटी। नाउ राइट सिक्स टेबल, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स थ्री जा एटीन, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर। स्टूडेंट यू कैन गो सिक्स टेबल अप टू टेन, टेन नंबर आप टेन, दस तक की गिनती करके आप टेन तक के टेबल लिख सकते हैं। बट इन क्वेश्चन इट इज आस्किंग अबाउट फर्स्ट थ्री मल्टीपल एंड हियर वी गॉट अवर फर्स्ट थ्री मल्टीपल। वेयर इज अवर फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स? ओके, क्लियरली सी केयरफुली, आई एम गिविंग यू विच
first three multiples are in the both common in the both numbers. 6 in 2's table and 6 is in 6's table. 12 2 के टेबल में भी है, 6 के टेबल में भी है. 18 इट इज कमिंग इन 2's टेबल एंड 18 इज ऑल्सो कमिंग इन 6's टेबल. सो स्टूडेंट, दिस इज अवर फर्स्ट थ्री. ओके, सो कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 6 आर 6, 12 एंड 18. ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. आई होप यू मे हैव इंजॉयड माई वीडियो. आपने मेरे वीडियो को अच्छे से देखा होगा, मजा आया आपको. ओके स्टूडेंट, आपके लिए मैं ऐसी वीडियो बना के लाता रहूँगा. ओके स्टूडेंट, ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, रेगुलरली सैनिटाइज योर हैंड्स, अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.